हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, लेट मी समराइज इट। सो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट वीक लगता है, अगर शॉर्ट करना है, तो वी हैव टू लुक एट द बैंक निफ्टी। एंड इफ मार्केट आपको अच्छा लग रहा है और मार्केट अगर बुलिश साइड शो करता है, तो हमें निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। तो आप देखेंगे आज निफ्टी 0.4 डाउन है और आपका बैंक निफ्टी 1.3% डाउन है। तो व्हाट आर द की लर्निंग? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, शॉर्ट द वीकेस्ट बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो आज के आपके सामने आप एग्जाम्पल है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने इतना वीकनेस नहीं दिखाया जितना बैंक निफ्टी ने दिखाया। दूसरी चीज़, जो गैप अप हुआ था उसके अराउंड ही निफ्टी आज आया हुआ है लेवल। तो मेरे अकॉर्डिंगली 18,600 और 18,000, ये जो बेसिकली लेवल है 18,600, अगर ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, तो ही ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड डाउन हो जाएंगे। तो अभी क्या है, माइनर ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट। सो अगर आप देखेंगे माइनो ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ, जो प्रीवियस हाई था उसको फेल करके अगेन नीचे आ गया निफ्टी, देन एक कंसोलिडेशन किया, तो एक अपॉर्चुनिटी मिला लो रिस्क शॉर्ट करने के लिए, देन यू गॉट दिस ट्रेंड राइट टिल द एंड ऑफ द डे। सो अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टूमोरो? मे बी वी कैन गो अराउंड हियर एंड यहाँ पे कुछ बनाया और उसके बाद ब्रेक डाउन करे, तो वी कैन लुक अगेन शॉर्टिंग, जैसे 18,775 या 780 के अराउंड। मतलब डोंट लुक एट द एग्जिट लेवल्स, बट जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे और वहाँ से अगर आपको दिखता है कि भाई अगेन शॉर्टिंग की साइड बाजार जा रहा है, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्राडे बेसिस। पोजिशनल बेसिस हमें जब तक 18,600 या 18,620 का जो लेवल है उसको जैसे ही वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ना करे, तो हमें पोजिशनल के बारे में एक बार वेट करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट, देन लेट्स सी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था बैंक निफ्टी, ऊपर में जाने की कोशिश किया, देन आरबीआई के इवेंट पे एक सेलिंग आया, देन वही सेलिंग को आज कंटिन्यू किया। तो कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में माइक्रो ट्रेंड वीक ही है और हमें शॉर्ट का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो लेट्स सी आज कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिला। तो पहली कैंडल में आपको नीचे मिला, फिर उसके बाद आप देखो एक कंसोलिडेशन हुआ, ये 15 मिनट का है। अगर मैं आपको 3 मिनट कर दूंगा तो और आपको ज़्यादा क्लियर देखेगा। सो अगर आप देखेंगे कि पहले ही कैंडल में आपको गैप डाउन हुआ, जब उसके बाद निफ्टी अगर ने देखा होगा हाई काटने के बाद प्रीवियस हाई भी क्रॉस कर दिया, वहाँ बैंक निफ्टी आज का भी हाई क्रॉस नहीं कर पाया। एंड देन धीरे 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 कौन सा, जैसे ही निफ्टी वीकनेस आया और मार्केट वीक हुआ, बैंक निफ्टी स्टार्टेड फॉलिंग राइट, देन अगेन फॉल, देन अगेन कंसोलिडेशन, देन अगेन फॉल। सो बैंक निफ्टी इज वीक, बैंक निफ्टी में लेट सी, बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, ये जो ब्रॉड एरिया है, आप इसको ध्यान रखिए, 43,500 टू 43,400। अगर इसको भी ब्रेक डाउन वॉल्यूम के साथ बैंक निफ्टी करता है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया एंड देन यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यू कैन लुक अगेन फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाउन साइड। दूसरा सीनारियो है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ऊपर आए 44,000 के अराउंड या 43,900-800 के अराउंड, एंड उसके बाद कंसोलिडेट के फिर ब्रेक डाउन करें, तो यू कैन लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू दैट इंट्राडे में हमें अगर कल गैप अप मिलता है, उसके बाद सस्टेन करता है, उसके बाद जैसे ही नीचे जाने के, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। आई होप इट इज़ क्लियर। सेम वे अगर आप बैंक फिन निफ्टी देखेंगे, तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम सिमिलर व्यू था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब तक, इफ यू रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर, इसके ऊपर नहीं जाता है 19,500, 20,550 के ऊपर, तो हमें शॉर्ट ही देखना चाहिए। तो अब देखो आज क्या हुआ, आज आप यहाँ पे ओपन हुए राइट, देन उसके बाद ऊपर थोड़ा गया, बट जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता था, वो अभी तक हुआ नहीं, एंड देन यू गॉट द सेलिंग राइट। सो द पॉइंट इज, निफ्टी एंड फिन, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बोथ आर वीक, बट निफ्टी इज नॉट दैट मच वीक। तो हमें कल ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या निफ्टी भी उतना ही वीकनेस दिखाता है जितना फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाता है। तो ये बेसिकली अपने को एक अवेयरनेस देगा कि आगे क्या हो सकता है। सो जैसे फिन निफ्टी में मैंने बताया ब्रॉड ट्रेंड, आपका ब्रॉड ट्रेंड 19,000
मोटा मोटी जो लेवल है उसके नीचे अगर सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो ब्रॉड ट्रेंड भी डाउन हो सकता है। टिल देन माइक्रो ट्रेंड डाउन है, ब्रॉड ट्रेंड अभी भी अप है। तो जैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को वीक, तो वी कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू। एंड स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप में आज भी कोई पैनिक नहीं था, स्मॉल कैप इज़ कीप गोइंग। आज जो हाई मारा सुबह का उसके नीचे अभी तक स्मॉल कैप गया नहीं, अगर आप देखेंगे तो लेट मी शो यू, तो उसके आसपास ही रहा। तो स्मॉल कैप स्टील आर स्ट्रांग, बट अगर ज़्यादा देर मान लो वीकनेस निफ्टी में और उसमें रहा तो यहाँ पे भी फिर वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। तो लेट सी वेदर 10,400 के नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स जाता है वॉल्यूम के साथ, और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट भी आपको शो कर दिए। टिल देन वी शुड बी मैनेजिंग अवर रिस्क, जहाँ पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको देखते रहना चाहिए। सो सी यू ऑल टुमारो एंड शेयर योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक कि आपको ये सीरीज कैसे हेल्प कर रहा है एंड आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कैसे बेटर कर रहा है ये। सो सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू सो मच।